नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों का प्रसारण हम समय समय पर करते रहते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण से संबंधित जानकारी हो या ग्रह जनित उपाय हो, रत्न धारण से संबंधित जानकारी हो, वास्तु शास्त्र से संबंधित जानकारी हो, या हमारे साथ जो समस्याएं जुड़ी हुई रहती है उनसे संबंधित उपाय हो, समय समय पर हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। और महत्वपूर्ण बात, आप इस पे अमल करते हैं तो प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी आप लोगों के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जैसा कि बाहर से आप देख रहे हैं, माया के मालिक सिर्फ और सिर्फ एक पत्ते से प्रसन्न हो जाते हैं और माया की बरसात हमारे ऊपर पे कर देते हैं। माया यानी कि हमें सभी कुछ प्राप्त होना, सर्व भौतिक सुखों का प्राप्त होना, जैसा हम सोचें, जो चीज हम चाहें वो यदि हमें मिल जाए तो इस कलयुग में उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। और इसको देने वाले सिर्फ और सिर्फ एक ही भगवान है, और वो है श्री हरि विष्णु भगवान। माया भी कहा गया है भगवान श्री हरि विष्णु को। और जिसके ऊपर यह अपनी कृपा दृष्टि रख देते हैं, दया दृष्टि रख देते हैं, वो व्यक्ति तो इस कलयुग का सबसे भाग्यशाली कहे या सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है। उसे अपने जीवन में सब कुछ मिलता है जैसा वह चाहता है, लेकिन कृपा होनी चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की। और भगवान श्री हरि विष्णु आसानी से किसी जातक के ऊपर अपनी कृपा नहीं करते हैं। कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में कि जिनको करने से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति को मनवांछित वर, जिसे हम कहते हैं मन की कामना पूर्ण होना, ऐसा वरदान उसको देते हैं। वरदान क्या, व्यक्ति उसी कर्म पथ पर चलता है और उसको सारी चीजें धीरे 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 प्राप्त होने लगती है। भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माँ की कहानियां तो हमने सुनी ही है, हर कोई व्यक्ति इसे जानता है, तो इसके बारे में हमें ज्यादा बताना उचित भी नहीं है, क्योंकि तमाम हमारे पास ऐसी जानकारियां रहती हैं कि हमें ये सुलभ जानकारियां है, हर कोई व्यक्ति जानता है, क्योंकि तुलसी पूजन हर कोई करता है, हर घर में तुलसी रहती है। तो इनके साथ भगवान श्री हरि विष्णु का क्या रिश्ता है, कैसे विवाह है, सारी कथाएं आप लोग जानते ही है, तो यहाँ पर को हम इसका जिक्र नहीं करेंगे। यहाँ पर को उस महत्वपूर्ण बात का जिक्र करेंगे जिससे कि हमें सर्व भौतिक सुख प्राप्त हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, क्या वह चीज बताई गई है ज्योतिष शास्त्र में। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, शालिग्राम रूप में सभी जानते हैं, उन्होंने तुलसी माँ से विवाह किया था। और पूरा कथाएं हैं इसकी, और YouTube TV चैनलों पर ये कथाएं लगभग लगभग आती रहती है, तो हर कोई इससे वाकिफ है। तो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, जब आपका कहीं से कोई भला नहीं हो रहा है, सारी जगह से आपके रास्ते बंद हो गए हैं, तो आप भगवान श्री हरि विष्णु, जिन्हें माया भी कहा गया है, और एक दृष्टि भी वह रख दे तो व्यक्ति के वारे न्यारे हो जाते हैं, सारे का सारा कोप समाप्त तो हो जाता है अगर वह दृष्टि रख देते हैं, तो उनकी शरण में चले जाइए। और उनको सबसे ज्यादा प्रिय जो है वो है तुलसी का पत्ता। और कहा भी गया है शास्त्र में, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा तब तक अधूरी है जब तक कि उनको तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता है। तो कभी भी जब आप अपने घर पे पूजा करते हैं तो अवश्य ही तुलसी का पत्ता भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाते हैं, तब जाके उनकी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। यहाँ पर को हम आपको एक मंत्र भी बताएंगे कि किस मंत्र के साथ भगवान श्री हरि विष्णु को नियमित एक पत्ता तुलसी का प्रातःकाल पूजा अर्चना के पश्चात यदि उनके चरणों पे चढ़ाया जाए, कोई शालिग्राम रूप में पूजा करता है, नहीं तो भगवान श्री हरि विष्णु की एक चांदी की प्रतिमा बनाकर उसके मस्तक पर एक छोटा सा सोने का टुकड़ा जड़वाकर प्राण प्रतिष्ठित कर अपने मंदिर पर स्थापना करनी चाहिए। और प्रतिदिन एक एक पत्ता तुलसी का उनके चरणों में स्त्रियां श्री विष्णुवे नमः मंत्र से चढ़ा सकती हैं। कुछ नियमित एक संख्या बना लीजिए, उस संख्या में नियमित जाप करिए, और दिन भर भी अगर जब जब ध्यान आए तो श्री विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः का जाप वो कर सकती हैं। और पुरुष ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र से पुरुष भगवान श्री हरि विष्णु को एक पत्ता तुलसी का चढ़ाए और
इस मंत्र का जाप, एक सीमित संख्या 108 भी रह सकती है, बहुत छोटा सा मंत्र है तो 108 सबसे कम संख्या माने, 1008 में भी कर सकते हैं जिसके पास समय हो। अन्यथा रविवार है, बुधवार है, गुरुवार है, इस दिन तो थोड़ा ज्यादा संख्या में भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ऐसी संख्या बना ले कि उससे नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर को ही बढ़ना चाहिए। यदि कोई जातक नियमित तौर पर ऐसा करता है तो इसके कई फल है। कई फल ऐसे है कि जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा होता उसका विवाह हो जाता है, जिसको नौकरी नहीं मिल रही होती उसे नौकरी मिल जाती है, जिसका कोई कार्य सफल नहीं हो रहा होता उसके कार्य सफल होने लगते हैं, यानी कि मन वांछित कामना का पूर्ण होना जो हम कहते हैं उसका एक अत्यंत सरल मार्ग यही है कि आप श्री भगवान हरि विष्णु के चरणों में एक पत्ता तुलसी का जलाएं और इन मंत्रों के साथ, जैसे स्त्रियों के लिए ओम वर्जित माना गया है शास्त्र कहता है तो श्री विष्णुवे नमः, और पुरुषों के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का अष्टाक्षरी मंत्र है, इसका आप नियमित संख्या में जाप करें और एक पत्ता तुलसी का चढ़ाएं। और घर में तुलसी का वृंदावन तो हर किसी के पास रहता ही है और उसमें तो नियमित जल भी आप चढ़ा सकते हैं। बहुत से लोग भगवान सूर्य को जल देते हैं, तुलसी के उसमें भी जल देते हैं, वो सब चीज ठीक है, किंतु जब मार्ग नहीं मिल रहा है तो श्रद्धा पूर्वक आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु ही हमें दे सकते हैं, क्योंकि वो माया के स्वामी है और हमारे चारों ओर जो हम चीजें अर्जन करते हैं, भले हम सुंदर वस्त्र पहनते हैं, सुंदर भवन में रहते हैं, सुंदर गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट आदि बड़ी जगहों पे भोजन करने जाते हैं, या जो भी हम वैभव की चीजें देखते हैं, उसको देने वाले दाता एकमात्र भगवान श्री हरि विष्णु है। तो बहुत से लोगों का हमारे लिए हमेशा ही आता है, हम हर एपिसोड में कहते हैं तो पूछते रहते हैं, तो ये एक बहुत ही सरल माध्यम है भगवान श्री हरि विष्णु का नियमित ध्यान करना और एक पत्ता तुलसी का चढ़ा देना, और जब दिन रात जब भी ध्यान आए तो उनका ध्यान करते रहिए। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ और हमेशा विश्वास के साथ कहता हूँ कि अतिशीघ्र इसका चमत्कारिक परिणाम आपको स्वयं देखने में आएगा। बोलने के लिए तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, तो ध्यान रखें मंत्र का भी और माता तुलसी के पत्ते का भी। टूटा टूटा नहीं होना चाहिए, हरा शुद्ध पत्ता जिसमें कोई दाग युक्त पत्ता ना हो, एक ही पत्ता चढ़ा दीजिए, ज्यादा पत्तों की भी जरूरत नहीं है, लेकिन साफ पत्ता। और वृंदावन को जहां पर से भी तुलसी के आप वृंदावन बनाए रखते हैं, जहां पर को तुलसी को लगाते हैं, तो वहां पर पवित्रता अवश्य बनाए रखिए। अगर वहां पे पवित्रता रहेगी तो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा नहीं भी करते हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ फल अवश्य प्राप्त होगा, और ऐसा करते हैं तो फिर गारंटी मान लीजिए कि आपको मिलेगा अवश्य। और विशेष तौर पर जो कुंवारे लोग होते हैं, कुंवारी हमारी बहनें हैं, भाई लोग हैं, उनके लिए तो ये रामबाण उपाय है, और जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, लंबे समय से प्रयासरत है और असफलता उनको देखने में आ रही है, तो उनके लिए भी ये रामबाण उपाय है, और किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए यह एक रामबाण उपाय है और अत्यंत सरल उपाय है। तो जानकारी काफी अच्छी थी, संभवतः बहुत से लोग इस जानकारी के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन हमारा तो कार्य है कि आप लोगों के लिए हम लाते रहें कुछ न कुछ जानकारी। अगर यदि आप भूल रहे हैं और हम भी बहुत पहले लाए हैं तो रिपीट भी हम कर लेते हैं बहुत अच्छी जानकारियों के एपिसोड को। तो फिलहाल इसका कोई एपिसोड हम आज तक विगत 4-5 सालों में नहीं लेके आए, तो ये जानकारी सुलभ रहती है, तो इसलिए जो सुलभ जानकारियां हैं बहुत कम ही हम आप लोगों के लिए प्रसारित करते हैं, फिर भी हमें अपने एपिसोड में आज हम लेकर आए। तो जानकारी पसंद आई तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, आपकी मर्जी पे निर्भर है। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है कि जुड़िए गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड आप लोगों को आगे को देखने को मिलेंगे। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।